तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी नोट चार्ली, लेकर आ चुका हूँ आप लोग के पास एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेनोलॉजी प्रोफेसर अचीवमेंट के बारे में, कि आपने कैसे कंप्लीट करना है और आपने हर एक मैच कैसे विन करना है, लोलो भी कैसे लानी है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, कुछ टिप्स भी आपको दिए जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो जहां तक बात है टिप्स की, टिप्स तो आपको वीडियो में दिख जाएंगे, और जहां तक बात है लोलोबी की, तो लोलोबी हम कैसे लाएंगे, पहले तो हम जो है ना एक फ्रेंड को ऐड कर लेते, क्योंकि फ्रेंड के साथ क्या होगा, हमें जो है ना काफ़ी हेल्प मिलेगी, वो जो है ना लो करेगा और हम जो है ना वो मतलब बंदों को मारेंगे, वो आपको वीडियो में आगे दिख भी जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अचीवमेंट पे निकाल लेता हूँ कि मैंने कितने कंप्लीट किए हैं। मैंने तकरीबन 5 कंप्लीट किए थे, मैंने मतलब टाइम नहीं मिलता, जैसे आपको पता है डेली वीडियोज़ डालता हूँ, दो वीडियोज़ डालता हूँ। आज मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियो डालने का, लेकिन तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो डाल लेता हूँ, आप लोग की भी हेल्प हो, और मतलब आप इतना जो है ना मुझे सपोर्ट करें, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको कुछ ना कुछ दूँ। तो जहाँ तक बात है मैप की, तो जो न्यू वाला मूड आया ना, ये सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? पहले हमें 3 दिन मिलते थे सिर्फ जो है ना गेम खेलने को, अभी जो है हम डेली खेल सकते हैं ये गेम, मतलब जो न्यू मूड आया है। और जहाँ तक बात है लोबी की, तो आपने क्या करना है, लैंग्वेज जो है ना आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेने जो कि उल्टे सीधे आगे पीछे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेने, उससे क्या होगा, उससे हमारी लोबी क्या आएगी, लो आएगी। तो गेम हमने स्टार्ट कर लिया है, अब मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स। आपने क्या करना है इसमें, आपने जो है ना फ्रंट फुट पे नहीं खेलना, आपने पीछे होके खेलना है बैक फुट पे। तो आप जितना इसमें कॉम्बो बनाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आपके गन जल्दी जल्दी चेंज होते जाएंगे, आप जो है ना आगे जाते जाओगे, आपके लिए उतना ईजी होगा। तो इसमें मेरे फ्रेंड ने काफ़ी मेरी हेल्प की थी, जब वो नहीं था तो मैंने 2-3 मैच हारे थे, जब वो आ गया उसके साथ मैंने 5-6 मैचेस खेले, 5-6 में जो है ना 5 तो मैंने पक्के जीत लिए, और बाकी जो है ना मैंने 1-2 हारे भी थे, साफ सीधी बात है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जो है ना सबको जो है ना 2-2, 3-3 बुलेट मार रहा हूँ, वो लोग मर रही है, नहीं कि मेरे पास कोई है कि या कुछ है, लेकिन वो क्या है, मेरा फ्रेंड जो है डैमेज देता था और मैं वहाँ से जो है ना इजीली उसको किल कर लेता था उस बंदे को। तो इसमें आप भी ऐसे कर सकते हैं अपने फ्रेंड की मदद से, और अगर आप अकेले में खेलना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया बैक फुट पे खेलना, आपने ज़्यादा आगे की तरफ नहीं जाना। और दूसरा ये है कि आपने थोड़ा घुमाव फिरा के जो है ना मारना है बंदों को, जैसे अब यहाँ पे आप देखना मैं क्या करता हूँ, सामने से बंदे आ रहे हैं, मैं जो है ना वो अभी क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे शायद मैं वहाँ पे टीपीपी ले रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैं राइट से गया, उनको बैक साइड से मार दिया इजीली। तो इसमें क्या होगा, हमारे जितने किल बढ़ेंगे ना हमारा फ़ायदा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे गन चेंज हो रहे हैं, जितने गन जल्दी जल्दी गन चेंज होंगे उतना हम पेन के पास जाएंगे, पेन में, पर लास्ट में ये भी है कि पेन का किल भी निकालना मुश्किल हो जाता है, बंदे जो है ना आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो काम्बो मैंने काफ़ी अच्छा बना लिया था यहाँ पे, और इस बंदे ने मुझे जो है ना मेरा काम्बो तोड़ दिया था, लेकिन डरने की बात नहीं है, बीच में मैंने ट्रिम कर लिया है, काट लिया है। लास्ट में मैं आपको पिस्टल का बता रहा हूँ, पिस्टल का है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि पिस्टल का काफ़ी मुश्किल होता है, पिस्टल का कुछ मुश्किल नहीं होता, आपने कवर टू कवर खेलना है। अभी आप देख सकते हैं मेरे को जैसे एंगल मिलता है मैं तब मारता हूँ, तो एक ही बुलेट से जो है ना मैंने मार लिया, कैसे, मेरे फ्रेंड ने मुझे काफ़ी जो है ना पीछे से कवर दी। लास्ट में आते हैं अभी पेन के ऊपर भी मेरे फ्रेंड ने जो है ना एक बंदे को डैमेज किया था जिसके पास मिनी थी, तो वो मुझे बोल रहा था कि मिनी वाले को मैंने काफ़ी डैमेज किया, जाके उसको एक शॉट मारो मर जाएगा। तो ये मिनी वाला यही है जो भाग रहा है आगे की तरफ, आप देख सकते हैं मैं सिर्फ एक शॉट इसको मारूंगा और वो क्या हो गया, वो किल हो गया। तो क्या होगा, हमारा चिकन डिनर निकल आ गया, चिकन डिनर मतलब कि विन हो गया, हमारा MVP भी मैं बन गया, और इसी तरह जो है ना हमारे मैच भी विन होते जाएंगे। तो लो भी काफ़ी लो थी जैसे कि आप लोगों ने देखा, और फ्रेंड की भी काफ़ी मदद से जो है ना फ्रेंड की मदद से भी काफ़ी आसानी से हमारा कंप्लीट हो गया था। तो पहले हमारे थे 5, बाद में तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट हम खेले और मेरे हो गए थे 10। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।